वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग प्री बीएड के लिए पढ़ रहे हैं और सामान्य मानसिक योग्यता के खंड में हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। हम लोग सीक्वेंस सीरीज में आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हम इससे पहले डे वन में हम लोग पढ़े थे थ्योरी कैसे सॉल्व करना है, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 12 है, 12 के बाद 21 है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। अगर आपको आंसर पता चल चुका है तो कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं 10 सेकंड में समय दे रहा हूँ, 10 सेकंड बाद मैं करूंगा इसे। तो ऑलमोस्ट 10 सेकंड हो चुके हैं, तो चल इसका आंसर मैं देता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले इनके बीच का गैप देखते हैं। 7 में 1 ऐड किया तो 8 आया, 8 में 4 ऐड किया तो 12 आया, 12 में 21 के बीच का गैप हो जाएगा 9 का, 9 ऐड किया 9। तो आपको ये दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो ऑब्वियसली जो अगला नंबर होगा 4 का स्क्वायर ऐड करना है आपको, मतलब इसमें 16 ऐड कर देना है। तो 6 और 1 7 2 1 3 37 करेक्ट आंसर होगा, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसी तरह दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, इसके लिए भी आपको मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 10 सेकंड में आंसर कमेंट करिए, 10 सेकंड। तो चलिए इसका आंसर अब आप 10 सेकंड ले लीजिए, पहले मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको। तो चलिए 10 सेकंड हो गया, मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। फिर भी आपको गैप ही देखना है, जब भी सीक्वेंस सीरीज दिखता है आपको गैप लिखिए कितने के बीच का अंतर कितना है। यहाँ 4 का अंतर है यहाँ पर, तो ये छोटा हो गया, मतलब -9 का अंतर आ रहा है। उसके बाद +16 का अंतर आ रहा है, उसके बाद का आपको निकालना है क्या होगा। तो ये जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो प्लस हुआ है, 9 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस हुआ है, 3 का स्क्वायर क्या हुआ है माइनस हो गया, फिर प्लस 4 का स्क्वायर फिर ऐड कर दिया हमने। तो अब क्या करना है, -5 का स्क्वायर घटा दे रहा है, मतलब 16 में क्या माइनस कर देना है 25, तो माइनस करोगे तो -9 आंसर आएगा। तो इसका आंसर सही है, ये ऑप्शन सी होगा। अगर आपका आंसर सही है तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कैसे आंसर इसका आया। मैं फिर से बता दूं, 5 में मैंने 4 जोड़ा 9 आया, 9 में 9 घटाया मतलब 3 का स्क्वायर घटाया तो 0 आया। अब 0 में मैंने 4 का स्क्वायर ऐड किया तो 16 आया, अब 16 में 5 का स्क्वायर घटाया तो -9 आया, मतलब 2, 3, 4, 5 के स्क्वायर्स हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में सीक्वेंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इससे पहले जितने क्वेश्चन में उसमें 3-4 ही टर्म दिखते थे, इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं। 10 सेकंड का समय मिल रहा है आपको, दिया जा रहा है, 10 सेकंड में आप इसे कंप्लीट करिए। तो चलिए 10 सेकंड हो चुका है, अब इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसको ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे सीक्वेंस हैं, बहुत सारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब भी आपको बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो मल्टीपल सीक्वेंस का क्वेश्चन है। मल्टीपल सीक्वेंस का मतलब इसमें एक से ज्यादा सीक्वेंसेज है। तो अब इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 2 के बाद 4 दिख रहा है, 4 के बाद आपको 8 दिख रहा है, मतलब 2 में 2 का गुणा किए 4 आया, 4 में 2 का गुणा किए 8 आया, 8 में 2 का गुणा किए 16 आ रहा है, मतलब इस सब में किसका गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है, दिख रहा है आपको। अब ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 16 में 2 का गुणा कर देंगे तो 32 सीधा आंसर आ जाएगा। और एक यहाँ पर दूसरा पैटर्न बन रहा है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, सब सम हो रहा है यहाँ पर, 9 और 2 11। अगर यहाँ एक अगला नंबर पूछा होता तो 11 धन 2 13, लेकिन अगला नंबर पूछा नहीं गया है, सिर्फ ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करना है, 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, करिए कमेंट। तो चलिए क्वेश्चन मैं करता हूँ, 10 सेकंड हो चुके हैं। सबसे पहले आपको डिफरेंट इनके बीच का गैप लिखना है, डिफरेंस लिखना है। 7 में 2 घटाए तो 5 आया, 5 में 3 जोड़े तो 8 आया, 8 में 4 घटाए तो 4 आया। अब 4 में ऑब्वियस दिख रहा है 2, 3, 4, तो इसमें 5 आप ऐड करोगे,
एक बार घटा रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, 2 3 4 5, तो 5 जोड़े तो आंसर आ जाएगा 9। दैट मीन्स दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को अब आपको करना है, 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। चलिए 10 सेकंड हो गए, अब मैं करता हूं क्वेश्चन को। देखिए ये वन है, 1 और 9 के बीच का गैप 8 का है, 8 9 और 25 के बीच का गैप भी देख लेते हैं हम लोग, 14 का गैप है, 25 और 49 के बीच का गैप देख लेते हैं, 24 का गैप है। तो इस गैप से तो कुछ बन नहीं रहा, जैसे हमने गैप निकाला, गैप से मतलब डिफरेंस निकाला, डिफरेंस से कुछ आपको एक सीक्वेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब क्या करता हूं, ये 1 9 25 49 की सब परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, ये सब परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 9 का स्क्वायर 81। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 * 81। छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, 7 26 63, ध्यान से आंसर सोचिए। मैं इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, जल्दी से करिए। तो चलिए 10 सेकंड हो गए, तो चलिए 10 सेकंड हो गए, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर मैं करता हूं। ध्यान से देखिए, इनके बीच डिफरेंस निकालने का जरूरत नहीं है, डिफरेंस काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म में दिख रहा है, आप एक बार निकाल के देख सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप तो यही होता है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस में जम गया तो सही है, अगर नहीं जम रहा है तो फिर कुछ अन्य ऑप्शन को सोचना है। तो चलिए मैं सोचता हूँ, ये दिख रहा है 7 है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 में 1 गया 7 आया, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 1 गया 26 आया, 4 का क्यूब होता है 64, उसमें 1 घटा दिए तो 63 आया। तो मतलब यही जो नंबर होगा वो 5 का क्यूब होगा और उसमें 1 घटा देना है, तो 5 का क्यूब होता है 125, 1 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 124। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मतलब आपको सिक्वेंस एंड सीरीज के लिए पूरे स्क्वायर से याद करने हैं, मतलब वर्ग और क्यूब से याद करने हैं, मतलब पावर 3, मतलब घात 3, ये याद करें, घन याद करना है, इसको घन बोलेंगे, ये याद करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 12 25 625 225, अब आपको आंसर कमेंट करना है कि यहां पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 10 सेकंड में आंसर कमेंट करिए। तो चलिए 10 सेकंड कंप्लीट हो गया, अब इसका आंसर हम सोचने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस देखें तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो हम अब इसको कुछ अलग तरीके से देखते हैं। 225 जो है वो 25 का 15 का स्क्वायर होता है, आपको पता है, 625 भी आपको जानकारी है 25 का स्क्वायर होता है। तो 15 10 25 आया, 25 के बाद 35, तो 35 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं, 35 का वर्ग क्या होता है, तो 35 गुणा 35 करना पड़ेगा। तो मैं वैदिक मैथ से करता हूँ, 5 5 25 4 3 12, मतलब 35 का जो वर्ग है वो है 12 25, जो 35 का वर्ग है वो है 12 25, मतलब ये जो नंबर है एक्चुअली में 35 का वर्ग है, मतलब यहाँ गैप 10 का है, यहाँ गैप 10 का है, तो 15 में 10 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो 5 का वर्ग जो होगा वो आंसर होगा, मतलब 25। समझ में आया, बहुत ही आसान है आपको करना, बस सीक्वेंस सीरीज के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसके लिए भी आपको मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप ध्यान से सोचिए
और क्वेश्चन करिए। तो चलिए 10 सेकेंड हो गए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। 512, 49, 216, 25 को ध्यान से देखने से ये समझ में आया कि ये 512 है वो 8 का क्यूब है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, 216 जो है वो 6 का क्यूब है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, जो अगला नंबर आएगा क्यूब स्क्वायर 4 का क्यूब, मतलब 8, 7, 6, 5, 4, तो 4 का क्यूब 64 होता है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा 64। बहुत ही सरल है, क्यूब और सिक्वेंसेस पे फोकस करने के लिए क्यूब स्क्वायर पहाड़ा ये सब आपको अच्छे से करना है, ठीक है। मैं बार बार बोलूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज जॉब आपको चाहिए बीएड करने के लिए, अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको करना होगा थोड़ा मेहनत, थोड़े मेहनत से ही, बाकी सब जितने स्टूडेंट्स हैं सब के सब मेहनत कर रहे होंगे अभी। अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको यहाँ जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज जो टॉप के स्टूडेंट है टॉप रैंकर को ही मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत कम होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर बीएड करना है तो आपको अच्छी रैंक लाना पड़ेगा और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़िए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए। तो आज हमने प्री बीएड के लिए सामान्य मानसिक योग्यता में हम लोग सिक्वेंस एंड सीरीज के खंड का दूसरा पार्ट देखा। इसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता में आपको कोई डाउट है अगर सिक्वेंस सीरीज में तो कमेंट करिए, कमेंट करने के लिए आप इंस्टाग्राम के थ्रू कमेंट कर सकते हैं या आपको यूट्यूब में कमेंट करना तो यूट्यूब से कमेंट करिए। मैं अब जो नया वीडियो लाऊंगा उसमें हम लोग सामान्य मानसिक योग्यता का कुछ दूसरा खंड को भी देखेंगे। थैंक यू।